जय शंकर महाराज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल वाला और हिमाचल वाली कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस, मैं बताऊं आपको, तो हिमाचल वाली जो है वो संगीन आरोप लगा रही है हिमाचल वाला के ऊपर। तो क्योंकि आपने वीडियो देखा होगा, उसने ऐसी ऐसी बातें बोल दी है जिसको आप देख के हैरान, क्या मतलब परेशान हो जाओगे इस बात को देख के। बोलती है कि फर्स्ट ऑफ मैं ऑल आता हूँ मैं अपने गद्दी कल्चर के ऊपर। जो उसने बोला है कि गद्दी कल्चर के लोग जो होते हैं वो नशेड़ी होते हैं, वो नशे करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो गाइस, सही में बता दूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने ऐसी ऐसी बातें बोल दी है, जैसा हमारा सर्कल है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ गाँव है। और गाँव में आपको पता है गाँव का सर्कल कैसा होता है। गाँव में एक दूसरे के घर जाना और एक दूसरे के पास उनके घर में रहना, उनसे बातचीत करना एक नॉर्मल बात है। यहाँ पे शहरों में जैसे होता है कि आप एक फ्लैट में रह रहे हो, दूसरे फ्लैट वालों का पता नहीं है कि वो कहाँ से है, कौन है और कहाँ का है बंदा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। पूरे गांव में एक एक बच्चे की खबर होती है। तो घर आना हर एक बंदे का बनता है। जैसे वो बोल रही थी कि वो हिमाचल वाला जो है वो नशे करता है, ऐसे करता है वैसे करता है। तो आज के टाइम में कौन नशे नहीं करता है। अगर उसको नशे के हिसाब से देखा जाए तो क्या वो आपको लगता है इतना बड़ा यूट्यूबर बन पाता अगर वो उस तरह के नशे करता तो। क्योंकि एक इतना बड़ा यूट्यूबर बन चुका है वो इस टाइम। तो नशेड़ी बंदा आपके गांव के आसपास में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नशे करते हैं, और उन्होंने कौन सा मुकाम हासिल कर लिया इस टाइम तक। तो नशे करके कोई भी इतने ऊपर तक नहीं जाता भाई। उसको पता होगा कि उसकी कितनी लिमिट है, क्या है, उस हिसाब से ही बंदा अपने हिसाब को, अपने सर्कल को देख के, अपनी फैमिली के सब सिस्टम को देख के ही उसने जो भी किया है वो उसका पर्सनल मैटर है। खाता है क्या, पीता है, हम उसकी हर एक चीज़ की डिटेल नहीं रख सकते हैं। और नशा करना ऐसा नहीं है कि वो उसको पता है सब कुछ इस बात के बारे में, तो हम उसको नशे के बारे में गलत नहीं ठहरा सकते हैं। और ऊपर से उसने ये बात भी बोली थी कि उसने मेरे से 1 लाख लिया, इतना लिया, वो लिया। अरे भाई, अगर कोई बंदा 5 महीने एक होटल में रह रहा है तो उसके लिए तो उसका इतना चार्जेस लग जाते हैं, खाने पीने का, रहने का। और इतना फ्री स्टाइल रह रही थी वो घर में, इतने फ्री स्टाइल से अपने उस घर में रह रही थी इतने टाइम से। उसका जब मन करता था वो तब आ जाती थी, जब मन करता चली जाती थी। तो उसमें आप भी देख लो, अगर आप एक होटल में गेस्ट बन के जाते हो तो वहाँ पे उसका कितना रेंट पे करना पड़ेगा, कुछ 6-7 महीने का। आप कोई भी बंदा हो, आप पता कर सकते हो इस बात का कि कितना रेंट बन जाएगा अगर आप 1 महीना शिमला में कहीं पर्सनल होम स्टे में रह रहे हो। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि वो मांग सकता था इतने पैसे। अगर वो रिलेशन में है तो उसको इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना चाहिए था। गाइस, सही बताएं ना, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी। वो 1 साल से 2 साल से जितने टाइम से भी वो आपको वीडियो में स्क्रीनशॉट बता रही है, तो उसका भी कोई बहुत बड़ा प्लान था कि इसको बंदे को बर्बाद कर देना है जब अपना काम बन जाएगा तो ऐसे वैसे। तो उस हिसाब से उसने स्ट्रेटेजी बना के इतने पुराने स्क्रीनशॉट, आप ही देख लो आप कितने टाइम में अपना फ़ोन अपडेट करते हैं, और उसके बाद आपके पास कितनी भी पुरानी, कितनी भी इम्पोर्टेंट चैट होगी आप चली जाती है मैक्सिमम। तो उसने उसको पेन ड्राइव में सेव करके रख लिया था। देखो आप उसकी स्ट्रेटेजी का, उसने देखिए किस तरह से इतना बड़ा प्लान करके रखा हुआ है। और अभी जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो मगरमच्छ के आंसू दिखा के और डिमोटिवेट कर रही है ऐसे ऐसी वीडियो डाल के कि बंदा हो जाए। पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, हिमाचल वाले की फुल सपोर्ट है और बंदे को एकदम से सपोर्ट करो। बिल्कुल गलत बंदा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता भाई तो अगर सोच लो आप ही खुद, अगर मैं नशेड़ी हूँ या आप में से कोई भी बंदा नशेड़ी है तो वो अपनी फैमिली की कितनी केयर कर सकता है। उसने अपनी सिस्टर को एक एज ए फादर का फर्ज होता है, उस तरह से अपनी सिस्टर को कहाँ कहाँ तक पहुँचाया है पढ़ाने के लिए जैसे भी। तो अगर वो उसके घर में इतने टाइम से रह रही है शिवानी और फिर वो ये बात बोल रही है, तो क्या उसका उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी उसको? वो क्या उससे इतना फ़ायदा भी नहीं ले सकता था कि उसको वो उसके सिस्टर के साथ रह सके चंडीगढ़ में ऐसे वैसे। वो ऐसे ऐसे बोल रही थी कि मैं उसके सिस्टर के पास में इतने मंथ रही, इतने मंथ ये हुआ वो हुआ। अरे वो घर में तो रह रही थी उस टाइम पे, तो अपने मदर को वो इतने दूर छोड़ के आई थी, तब भी तो वो अकेली थी।
पर उस बात को नहीं देख रही है, वो अभी देख रही है कि मैं, मेरे को अलग कर दिया गया है, ऐसा हुआ है, तो फिर मैं उसके प्रति मतलब टोटली गंदा प्लान करके रखा हुआ उसने, और ऐसे ऐसी बातें बोल रही है जिससे बंदे को डिमोटिवेट किया जा रहा है, गलत अफवाह फैला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है सही में, तो जहाँ तक हम जानते हैं, और आगे आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर ऐसा लगता है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है।